दूसरी बात जो बहुत पॉजिटिव वे में हमको लेनी चाहिए, देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी अदालत है, चाहे वो 200 स्क्वायर मीटर की बात कहे या 400 स्क्वायर मीटर की बात कहे, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारा मंदिर वहां था, होना चाहिए। और ये कहकर ये भी साबित कर दिया हो गया है कि मंदिर को गलत तरीके से तोड़ा गया, गलत डिसीजन दिया गया, और गलत डिसीजन यहाँ की बड़ी अदालत में दिए जाते हैं। उदाहरण है, SC ST कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में SC ST केस के लिए एक वकील ने डिसीजन दिया, पाबंदियां लगा दी, और जब भारत सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की तो दूसरे जज ने दूसरा फैसला दे दिया। इससे साबित होता है कि इस देश में जजमेंट में भी कानून का ध्यान कम रखा जाता है, जज अपने विवेक का ध्यान ज्यादा रखते हैं और अपने विवेक के अनुसार फैसले देते हैं। और एक बात बहुत साफ है, हम कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में नहीं घूमना चाहते, केवल दिल्ली की बात करना चाहते हैं, अक्षरधाम मंदिर जो बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है, डूब क्षेत्र में है पूरा का पूरा मंदिर। पहले अक्षरधाम मंदिर को ढा दो, और ढाने के बाद जितनी जगह अक्षरधाम मंदिर को दो उतनी जगह हम लेने को स्वीकार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब तो जस्टिस होगा। लेकिन अक्षरधाम मंदिर हजारों वर्ग मीटर में बना हो और हमको 200 मीटर में मंदिर बनाने के लिए कहा जा, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक पाबंदी लगाई जा रही है प्रदूषण की, यहाँ अयोध्या में लाखों दिए जलाने के बाद इस देश में प्रदूषण नहीं होता, और हमें अभी दिया नहीं है, एक दिया जलाया नहीं है, और उसके बाद ये डर है कि प्रदूषण होगा। और एक और गैर इंसाफी के 600 साल से ज्यादा अरसे से एक मंदिर बना हुआ और चल रहा था, उसकी मैनेजमेंट बॉडी बनी हुई है, बाकायदे समिति बनी हुई है जो उस मंदिर का संचालन करती है, ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि आज नई समिति बनेगी और उसमें उसका दखल नहीं होगा, ये भी कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि नई समिति बनेगी और उस मंदिर का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। सच्चाई ये है कि वहां मंदिर बनेगा, मंदिर रहेगा, समिति वही रहेगी, वही उसका संचालन करेगी, उस मंदिर की जमीन में से एक इंच जमीन भी हम किसी को देने वाले नहीं है। हमको और एक कहावत है, हम अहिंसात्मक आदमी है, अहिंसात्मक हमारा समाज है, सदियों से जितना शोषण इस देश में हमारा हुआ है उसके बाद भी हमने इस देश में कभी कहीं हिंसा नहीं की है, तो ये प्रमाण है कि हमसे ज्यादा अहिंसक कोई नहीं हो सकता, अहिंसा पे चल रहे हैं। लेकिन एक कहावत भी है बड़े बूढ़ों की कही हुई कि मरता क्या नहीं करता, जब मारा जाएगा तो निश्चित तौर से है कि कायरों की मौत मरने के बजाय हम लोग अपने मंदिर की रक्षा के लिए रक्षा करते हुए गौरव से मरना भी स्वीकार करेंगे, लेकिन मंदिर की एक इंच जगह भी हम नहीं देंगे। अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहते हुए कि ये उपेक्षित वर्ग के तमाम वर्गों के महापुरुषों की आस्था का सवाल है, गुरु रविदास केवल एक उपेक्षित वर्ग के महापुरुष नहीं है, गुरु रविदास जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं सबके महापुरुष हैं, सबकी आस्था उनमें है। गुरु रविदास के मंदिर से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वोट के द्वारा इलाज किया जाए, चाहे संघर्ष के द्वारा इलाज किया जाए, और संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, और संघर्ष भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि मरने की नौबत भी आई तो हम जो है लड़ते हुए मरेंगे, काय के रूप में मरना नहीं चाहते। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।